stings, it stings. Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. So आज की वीडियो में स्किन केयर की बातें भी होंगी, थोड़ी सी लाइफ अपडेट्स भी होंगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत टाइम हो चुका है जो मैं सिर्फ सीरियस बातें किए जा रही हूँ एंड देयर इज नो फन. तो थोड़ा सा इसको ना लाइट करके आज की वीडियो बनाएंगे. तो सबसे पहली लाइफ अपडेट, इस पूरे पेंडेमिक की वजह से ऑब्वियसली सारे घरों में बंद थे, कहीं नहीं जा सक रहे थे, किसी से नहीं मिल पा रहे थे एंड आपको पता है कि लाइफ कितनी मुश्किल हो चुकी हुई है इन अ लॉट ऑफ वेज. मतलब यार लाइफ खराब हो गया, नो किडिंग, ठीक है. तो अब फाइनली एक मौका मिल रहा है एक शादी पे जाने का एंड आई एम सो एक्साइटेड. तो शादी है लाहौर में एंड आई विल ऑब्वियसली बी टेकिंग यू गाइज विद मी, क्योंकि इतने टाइम बाद मौका मिल रहा है टू शूट सम फन कॉन्टेंट, सो वाई नॉट. तो ऑब्वियसली मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, लेकिन अब शादी आ रही है और ऑब्वियसली विंटर्स में है, तो विंटर्स में माई स्किन गेट्स रियली बैड. यानी कि मेरी स्किन को विंटर्स पसंद ही नहीं है. रैंडमली एक्नी आने शुरू हो जाएगी, रैंडमली स्कार्स होंगे, सुपर ड्राई हो जाएगी, बहुत बुरा हाल होगा. तो अब जैसे कि सबको पता है कि शादी सीजन जैसे ही आता है तो सब अपने फेशियल्स कराने लग जाते हैं, अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि मेकअप कभी भी अच्छा नहीं लग सकता अनटिल एंड अनलेस आपकी स्किन अच्छी ना लग रही हो. और स्किन कैसे अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली स्किन केयर से. तो अब ऑब्वियसली बहुत सारे फेशियल्स ट्राई करने के बाद, बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट्स और सब चीज़ें करने के बाद, आई एक्चुअली फाउंड आउट दैट वन प्रोडक्ट जो कि मेरी स्किन पे ऐसा काम करता है कि ओ माई गॉड, 10 मिनट के अंदर इट्स लिटरली अ प्रोफेशनल लेवल फेशियल एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. एंड द प्रोडक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस वेरी प्रोडक्ट, द ऑर्डिनरी का AHA प्लस BHA पीलिंग सोल्यूशन. यस, मेरी पिछली वीडियो में आप सब मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मैंने AHA प्लस BHA पीलिंग सॉल्यूशन के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाई. दैट्स बिकॉज दिस वन प्रोडक्ट डिजर्व्स अ वीडियो ऑफ इट्स ओन. यस, सो अभी आई एम गोइंग टू यूज दिस एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. बाय द वे, मेरी अभी स्किन पे मेकअप लगा हुआ है, आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ माई मेकअप ऑफ. मैं आपके सामने अभी इसको यूज भी करूंगी, आप इसका बिफोर एंड आफ्टर खुद देखिएगा और जज कीजिएगा. प्लस यू विल गेट टू लर्न क्वाइट अ लॉट अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि जितना ये सिंपल लगता है और जितनी जगहों पे, जितने प्लेटफॉर्म्स पे हमने इस एक प्रोडक्ट को देखा है, इट्स बेसिकली नॉट एज सिंपल एज दैट. देयर इज मोर टू इट दैट यू नीड टू नो एज वेल. तो सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा जो मेकअप लगा हुआ है उसको मैं उतारूंगी, क्योंकि इसको लगाना होता है बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर स्किन के ऊपर और ड्राई स्किन के ऊपर. तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर AHA वर्सेस BHA के बारे में बात की थी. अगर आपको नहीं पता तो यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैंने पूरा समझाया है. लेकिन एक छोटी सी समरी, AHA और BHA एक्चुअल में केमिकल एक्सफोलिएंट्स होते हैं, यानी कि ये आपके पोर्स के अंदर जाकर आपके पोर्स को डीप क्लेंस करते हैं. अगर आप सिर्फ AHA यूज़ करते हैं, नॉट प्लस BHA, तो अगर आप सिर्फ AHA यूज़ करते हैं, इट्स परफेक्ट फॉर मेच्योरिंग एंड ड्राई स्किन पीपल, वो एक अलग सेक्टर ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स से डील करता है. और अगर आप BHA यूज़ करते हैं तो वो ऑयली स्किन प्रॉब्लम्स को डील करता है सारा, एक्नी, सीबम प्रोडक्शन और इस सारी चीज़ों को, एंड इट्स बेटर फॉर ऑयली एक्नी प्रोन स्किन. अच्छा, एक बात मुझे ज़रूर करनी थी. सो दिस प्रोडक्ट राइट हियर रिटेल्स फॉर 3,000-3,500 रुपीज़, और अगर हम एक बेसिक फेशियल कराने जाते हैं किसी भी सैलॉन में तो वो 3,000 से शुरू होकर 5,000 से 10,000 तक फेशियल्स जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से करा रहे हैं या किस कैटेगरी का फेशियल है, राइट. तो वाई वुड आई चूज दिस प्रोडक्ट ओवर फेशियल्स? दैट्स बिकॉज वो एक दफ़ा का मैं 5,000 का फेशियल कराऊंगी, जिसमें बाय द वे केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं होती. ज़्यादातर फिजिकली एक्सफोलिएट करते हैं आपकी स्किन को, यानी कि वो हार्श स्क्रब्स यूज़ करते हैं या एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते हैं, फिजिकल एक्सफोलिएंट्स आपकी स्किन को स्क्रब करने के लिए. कभी वो आपको सूट कर जाता है, कभी वो आपको सूट नहीं करता. तो उस तरीके से एक केमिकल एक्सफोलिएंट को मुझ जैसी इंसान जो कि एक्चुअल में थोड़ी सेंसिटिव स्किन टाइप की है, ऑयली स्किन टाइप की है, एक्नी प्रोन वाली है, आई वुड बी केयरफुल और मैं यूज करूँ केमिकल एक्सफोलिएंट जो कि एक ट्यूब में आती है, यू नो, एंड इज हाफ द प्राइस ऑफ वन फेशियल दैट आई वुड गेट एट अ सैलॉन. 10 मिनट में फेशियल होके ख़त्म हो जाता है. मैं हर हफ्ते कर सकती हूँ अपने घर पे ही, मुझे कोई इसमें हैसल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज वाई आई वुड चूज दिस प्रोडक्ट ओवर अ फुल ऑन हाई फाई प्रोफेशनल, सो कॉल्ड प्रोफेशनल
फेशियल। जैसे कि हर प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। फॉर स्टार्टर्स आई वुड लाइक टू से कि ये कोई बहुत माइल्ड और बहुत जेंटल और बहुत नॉन इरिटेटिंग फॉर्मूला नहीं है। ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का सोल्यूशन है। दैट मीन्स कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपकी स्किन ऑलरेडी यूज टू नहीं है ऑफ यूजिंग एनी एसिड्स, यानी कि आप कोई भी माइल्ड और जेंटल एसिड्स पहले से यूज करते नहीं आए हैं, नॉट इवन हाइलोरोनिक एसिड, नॉट इवन द मेंडेलिक एसिड, आई थिंक मेंडेलिक एसिड होता है, अगर आप वो भी नहीं यूज करते आए तो ये आपकी स्किन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाएगा। However, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी यूज टू है इन दूसरे एसिड्स को यूज करने की, तो यू कैन स्टिल मेक पीस विद दिस वन। जैसे कि मैं हूँ, मैं बहुत सारे एसिड्स यूज करती हूँ। आई इवन यूज लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, जो मैंने सारी पिछली वीडियो के अंदर आपको दिखाए थे, आई यूज ऑल ऑफ दोज एंड माई स्किन इज यूज टू देम बाई नाउ। तो अब बातें कम करते हैं एंड लेट्स ओपन दिस अप, ठीक है? सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। This is your at-home vampire facial, जो कि आपने देखा होगा कि Kim Kardashian और इन सब के काफ़ी famous हैं। तो this is like that, but in a tube है। मुझे लग रहा है ये बोतल आज गिर के टूटेगी, because मैं बहुत ख़तरनाक तरीके से इसको handle कर रही हूँ। खैर, so अब मैं इसको लगाऊँगी अपने skin के ऊपर। So the thing is कि आपको इसको लगाना है और बहुत nicely आप इसको स्प्रेड करेंगे पूरी स्किन के ऊपर। मैं वेट कर रही थी कि मेरी स्किन जो है थोड़ी सी ड्राई हो जाए और उसके बाद मैं इसको लगाऊं, क्योंकि ये ड्राई स्किन के ऊपर लगाई जाती है। ऑल्सो लेटिंग यू गाइज नो, दिस टिंगल्स, मतलब ये सेंसिटिव स्किन टाइप वालों के लिए है ही नहीं, ये इतनी टिंगल करती है। हाय अल्लाह, इट्स हार्ड टू डू दिस विदाउट अ मिरर। अच्छा, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि दिस डज नॉट गो इन टू योर आईज, क्योंकि इट शुड नॉट गो इन टू योर आईज। आई बड़ी जोर से टिंगल करना शुरू कर दिया इसने ऑलरेडी। अब मैंने इसको अपनी स्किन पर बिल्कुल इवनली अप्लाई कर दिया है। जो लोग शुरू में इसको यूज़ करना शुरू करेंगे स्किन पे, इसको थोड़ी देर के लिए पहले आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू होने दें, पहले 2 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके मैक्सिमम 10 मिनट्स। इसको 10 मिनट्स से ज़्यादा अपनी स्किन पे बिल्कुल नहीं रखिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी हार्श। अच्छा, ये टिंगल अभी से मुझे कर रहा है, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, दैट्स प्रिटी नॉर्मल। ये टिंगल करता है, आई मीन ये अभी इस जगह पर लिटरली पिने चुभ रही है, नॉट इवन किडिंग, ये होता है, दैट्स नॉर्मल। दिस इज़ व्हेन यू नो दैट द प्रोडक्ट इज़ वर्किंग, क्योंकि जो AHAs और BHAs हैं वो आपकी स्किन के अंदर घुस के आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हैं, यानी कि साफ कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इसको अभी तक 3 दफ़ा यूज़ किया है और पहली दफ़ा इट डिडंट वर्क दैट वेल फॉर मी। आई वॉज जस्ट लाइक, हाँ ठीक है, यू नो लाइक सही है, शशके के लिए मैंने एक चीज़ ट्राई की है और वो सही है, लुक्ड गुड फॉर इंस्टाग्राम, बट समझ नहीं आई मुझे ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने इसको एक और ट्राई दिया, ठीक है, एंड आई ट्राइड इट आउट अगेन। तो जब उस दिन मैंने इसको यूज़ किया, ओ माय गॉड, मेरी स्किन पे ऐसा ग्लो था कि मैं बता नहीं सकती। मैंने उस दिन इंस्टाग्राम स्टोरीज भी बनाई थी एंड यू गाइज वर लाइक, तुम तो मतलब ग्लास की तरह ग्लो कर रही हो फातिमा, एंड आई वॉज लाइक एग्जैक्टली, मैं हैरान थी। सो आई फिगर्ड आउट कि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है टू रियली वर्क, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल इंस्टेंट हैं, विच इज़ वाई आई एम सिटिंग ओवर हियर ऑन कैमरा टू शो यू गाइज द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एज वेल, क्योंकि आपने बिफोर देखा, ठीक है, अब एकदम से एक इंस्टेंट ब्राइटनेस आएगी चेहरे के ऊपर, एक डलनेस ख़त्म होती हुई जो नज़र आती है ना, वो भी नज़र आएगी। अगर मैं इसका रेगुलर यूज़ करती जाऊँ तो इवेंचुअली मेरे एक्नी स्कार्स भी फेड अवे होंगे, क्योंकि AHA और BHAs ये करते हैं आपकी स्किन के लिए। सारे जो डार्क स्पॉट्स हैं, जो सारे डार्क स्पॉट्स हैं वो भी फेड अवे होंगे, ब्लेमिशेस ख़त्म होंगे, और जो अनइवन और इररेगुलर स्किन टोन होती है ना, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू गो अलॉन्ग विद द स्किन टेक्स्चर। सो इट्स प्रिटी मच ऑल यू कैन नीड इन अ स्मॉल बॉटल, विच इज़ वाई आई लव दिस प्रोडक्ट। अब ये सजेस्ट करने की वजह क्या है कि जब आप लोग ऑर्डिनरी का पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करें तो उसके साथ कोई और डायरेक्ट एसिड्स या कुछ भी और नहीं यूज़ करें। दैट इज़ बिकॉज इस एक प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे डायरेक्ट एसिड्स हैं, जिस तरह के लैक्टिक एसिड्स हैं इसके अंदर, ग्लाइकोलिक एसिड्स हैं, फिर BHAs भी हैं, यानी कि सैलिसिलिक एसिड्स हैं, और भी कुछ एसिड्स हैं। तो दिस इज़ ऑलरेडी अ वेरी 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 पावरफुल एसिड मिक्स,
ठीक है। तो अब अगर इसके ऊपर आप और लगाएंगे तो ज़्यादा एसिड लगा लेना आपकी स्किन की पीएच को डिस्टर्ब करेगा, यानी आपकी स्किन को हो सकता है कि इरिटेट कर दे, हो सकता है कि एकदम से कोई रिएक्शन हो जाए, बर्न मार्क्स आ जाएं, कुछ हो जाए, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट बेसिक कि आप बगैर इन चीज़ों के ख्याल रखे इसको यूज़ करना शुरू कर दें। मुझे लग रही है गर्मी, मेरी स्किन जलती है इससे। सारी सीरियस बातें असाइड, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस शादी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक कि जब मैंने अपनी फैमिली की कोई क्लोज शादी अटेंड की थी वो ऑलमोस्ट 5 से 7 साल पहले थी। उसके बाद किसी कजन्स ने कोशिश भी नहीं की शादी करने की, दे वर लाइक हम शादियां नहीं कर रहे, और उस वजह से मैंने कोई शादी अटेंड ही नहीं की। तो अब मैं लिटरली अपने माइंड में सारे यू नो डांस प्रैक्टिसेस और मेहंदी और ये सारे इवेंट्स के कपड़े, ज्वेलरी, शूज, ये सब इमेजिन करके बैठी हुई हूँ। एंड आई एम श्योर कि रात में जब मुझे थोड़ा सा मौका मिलेगा तो फिर मैं रैंडमली गाने चला के बिल्लो हाय पे डांस भी करूंगी। एंड दैट्स जस्ट नॉट मी, ऑनेस्टली आई नो कि आप सब भी ये सब करते हैं, सो डोंट जज मी फॉर दैट। एक्साइटमेंट बनती है यार, आई मीन इतने टाइम बाद एक मौका मिल रहा है टू बी यू नो जस्ट हैविंग फन। नाउ दिस हैज बीन ऑन माई स्किन फॉर 8 मिनट्स, देर आर ओनली 2 more minutes टू गो टिल आई गो एंड वॉश दिस ऑफ। थैंक गॉड। अब फाइनली 10 मिनट हो गए, मैं जाकर इसको ठंडे ठंडे पानी से धोकर आई। ओके, हेलो, आई एम बैक। तो साथ साथ मैंने अपनी शर्ट पे भी थोड़ा सा गिरा दिया। तो वन मोर टिप कि प्लीज इसको किसी ऐसे कपड़ों के साथ मत लगाइएगा जिस पे स्टेन रह सकता है, बिकॉज इट्स अ प्रिटी टफ स्टेन। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी बेहतर लग रही है कंपेयर टू बिफोर, ठीक है, यानी कि डलनेस काफ़ी हद तक कम हुई है, स्किन थोड़ी सी ब्राइटन भी हुई है, लाइक द अपीयरेंस ऑफ इट इज टोटली अ लिटिल बिट ब्राइटर देन इट वॉज बिफोर। थोड़ी सी रेड भी हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली इट स्टिंग्स, तो स्टिंग करने के बाद थोड़ी सी तो रेडनेस होना बनता ही बनता है। लेकिन आई सुपर जूम्ड इन टू माई मिरर टू सी इफ माई पोर्स आर क्लीन, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने नेक्स्ट लेवल साफ हुए मैं अभी मेरे पोर्स, और ये मुझे पहली 2 दफ़ा भी फील हुआ था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ और कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकती। ऑर्डिनरी विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं, नॉट जस्ट दिस विटामिन सी, किसी भी चीज़ में अगर विटामिन सी है तो वो आपने इसके साथ यूज़ नहीं करनी। लैक्टिक एसिड, हमने ऑलरेडी अपनी स्किन के ऊपर बहुत पावरफुल एसिड्स का मिक्सचर यूज़ किया है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर और इस तरह के एसिड्स हैं, डायरेक्ट एसिड्स, वो यूज़ नहीं करने हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो अ नो नो। हाइलोरोनिक एसिड, ये तो बल्कि मैं रिकमेंड करूँ कि इसके साथ ज़रूर यूज़ करें टू एक्चुअली मॉइस्चराइज योर स्किन बैक। एंड माई फेवरेट, नायासिनमाइड, द ऑर्डिनरी रेटिनॉल और रेटिनॉइड्स, इनको भी आपने उस दिन नहीं यूज़ करना जिस दिन आप AHA या BHA के पीलिंग सोल्यूशंस को यूज़ कर रहे हैं। So I'm going to apply the hyaluronic acid and niacinamide right now and then you'll see the full potential of the results. सबसे पहले मैं लेने लगी हूँ अपना hyaluronic acid जो कि actually बिल्कुल है ख़त्म होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा लगाऊंगी अपने स्किन के ऊपर। डोंट वरी, ये मेरी स्किन को टच नहीं कर रही है फॉर हाइजीनिक purposes. I'm just going to sink this into my skin. बिल्कुल मेरी स्किन ने पी लिया अभी हाइलोरोनिक एसिड, नॉट इवन किडिंग, लाइक एंड इट ड्रैंक इट। नाउ आई विल लेयर दिस विद नायासिनमाइड, दिस इज एन ईजियर वे टू डू इट, कि थोड़ा सा अपने हाथ पे निकाल लें एंड देन जस्ट मिक्स इट अप थोड़ा सा और फिर आराम से इसको लगा दें। इससे ये होता है कि इससे आपकी स्किन के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बैलेंस होती है, बड़े बड़े पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं एंड इवेंचुअली एक्नी को होने से भी ये रोकता है, और आपकी अगर एक्टिव एक्नी है जो कि मेरी अभी थोड़ी बहुत हो गई है, ये इसको भी काफ़ी जल्दी हील करता है। सो पीपल विद ऑयली एक्नी प्रोन स्किन, उनके लिए तो ये भाई बेस्ट फ्रेंड है, नो किडिंग, दिस इज गोइंग टू मेक माई स्किन अमेजिंग। सर्दियाँ हैं तो मुझे मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है, बट जैसे कि मेरा ये एक मॉइस्चराइजर है फॉर विंटर्स, इसमें है विटामिन सी, यानी कि अपनी चीज़ों के इन्ग्रीडियंट्स हमेशा पढ़ा करें, स्पेशली वेन यू आर यूजिंग सच प्रोडक्ट्स, इसमें विटामिन सी है। Although it's very nice and hydrating, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि इसमें विटामिन सी है। सो आपको भी इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा ऑन योर एंड। रिमेंबर द ग्लास स्किन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन सी इट और नॉट, मतलब इसके बाद
मेरी स्किन जिस तरह से ग्लो करना शुरू कर जाती है, इट्स क्रेजी. और ये नहीं कि सिर्फ अभी कर रही है, ये कल भी जब मैं उठूंगी मेरी स्किन इतनी ही अच्छी लगेगी, विच इज़ वाई आई लव दीज थ्री प्रोडक्ट्स टुगेदर. तो अब जैसे कि मैंने ये आज रात को लगाया है, तो अब अगर कल मुझे कहीं जाना है दिन में, तो आई हैव टू मेक श्योर ऑफ द फैक्ट कि मैं सनस्क्रीन लगा के जाऊँ, क्योंकि ये सारे एसिड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपकी स्किन को थोड़ा सा सन सेंसिटिव बना देते हैं. यानी कि आपको टैनिंग भी हो सकती है, आपको हाइपरपिगमेंटेशन भी हो सकती है, बर्न्स भी हो सकते हैं, इरिटेशन भी हो सकती है. यानी वो सारे प्रॉब्लम्स जिनको आप अभी हील करने की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को लगा के, वो अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो आप अपनी उन चीज़ों को डबल कर रहे हैं. यहाँ पे खर्चा भी हो रहा है और वहाँ पे नुकसान भी हो रहा है. सो यू अंडरस्टैंड दैट. ये नहीं कि आपने ये आज किया तो आपने सिर्फ कल सनस्क्रीन लगाना है. वैसे तो आपने सनस्क्रीन रोज लगाना है, लेकिन अगर आप नहीं मेरी बात मानते और सनस्क्रीन नहीं भी लगाते, तो एटलीस्ट ऐसी कोई चीज़ या ऐसे कोई एसिड्स अगर आप लगाते, उसके एटलीस्ट 4-5 दिन तक अपने चेहरे को सनस्क्रीन रखें पूरी तरह से, वरना इन सब का इफेक्ट उल्टा पड़ जाएगा. That's just the truth. So I hope that you guys had fun watching this video. I will catch you guys in my next one. Oh, by the way, that next video is going to be a vlog, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ इन सारी informative sit-down videos से, and even I need to catch a break. सही है? तो if you guys want to watch that video, let me know in the comments down below. या अगर आप लोगों को फिर से एक और informative skincare video चाहिए, तो I'll do that for you, no problem. And yeah, I'll catch you guys in my next video. Bye.